नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आजकल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना जो सुपरवाइजरी रोल है उसमें काफी एक्टिव हो गया और काफी स्ट्रिक्ट भी हो गया, जिसके कारण हाल ही में जैसे पेटीएम पे पाबंदी लगा दी गई है, बैंक ऑफ बड़ौदा के बॉब वर्ड पे पाबंदी लगा दी गई है, एचडीएफसी के ऑनलाइन बोर्डिंग पे पहले पाबंदी लगाई थी जिसको कि 2 साल के बाद खोला गया। इसी ढंग से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कई बैंकों द्वारा आनन फानन में कई प्रकार के सॉफ्टवेयर के द्वारा क्रेडिट कार्ड या अकाउंट खोलने का या नए नए कस्टमर को जोड़ने के ऐप के थ्रू जल्दी से अपना कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए काम किया, जिसमें कि कई प्रकार की खामियां थी और उन खामियों के कारण न केवल कस्टमर को कई प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी बल्कि उनका सिस्टम पूरी तरह से फेल भी हो गया और कई प्रकार के फ्रॉड भी होने शुरू हो गए। उन फ्रॉड्स को ध्यान में रखते हुए और पब्लिक की कंप्लेंट्स के वजह से, पब्लिक के ग्रीवेंसेस की वजह से आरबीआई द्वारा कई बार इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की गई कई बैंकों की, जिनमें से कोटक महिंद्रा बैंक की इंक्वायरी भी पिछले 2 सालों से चल रही थी और फाइनली कल 24 अप्रैल को आरबीआई द्वारा कल की जो गाइडलाइंस इशू की गई हैं उन पर हम यहाँ चर्चा करेंगे और उसके क्या असर होगा कोटक महिंद्रा के ऊपर, उसके बारे में भी आपसे चर्चा करें। आइए आरबीआई के सर्कुलर पे नजर डालें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 24 अप्रैल का प्रेस नोट है, जिसमें सुपरवाइजरी एक्शन अगेंस्ट कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड अंडर सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज टुडे इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर अंडर सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डायरेक्टेड कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड हियर इन आफ्टर रेफर्ड टू एज द बैंक टू सीज एंड डिजिस विद इमिडिएट इफेक्ट फ्रॉम वन ऑनबोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर थ्रू इट्स ऑनलाइन एंड मोबाइल बैंकिंग चैनल एंड इशूइंग फ्रेश क्रेडिट कार्ड। द बैंक शैल हाउएवर कंटिन्यू टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स एग्जिस्टिंग इंक्लूडिंग इट्स क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि ज़्यादातर बैंकों ने ऑनबोर्डिंग के लिए ऑनलाइन चैनल खोल दिए, मोबाइल बैंकिंग चैनल खोल दिए और क्रेडिट कार्ड भी काफ़ी मात्रा में इशू करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से उन बैंकों की जो केवाईसी के नॉर्म्स थे उनको उन्होंने वॉयलेट किया और जो कस्टमर की आइडेंटिटी थी उसके बारे में भी काफ़ी शॉर्ट कमिंग्स पाई गई, काफ़ी फ्रॉड्स भी पाए गए, कई बार उनका स्टाफ भी इन्वॉल्व था इन फ्रॉड्स में। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने ये एक्शन लिया। दीज एक्शंस आर नेसेसिटेटेड बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट कंसर्न अराइजिंग आउट ऑफ रिजर्व बैंक आईटी एग्जामिनेशन ऑफ द बैंक फॉर इट्स 2022 एंड 2023 एंड द कंटिन्यूड फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द बैंक टू एड्रेस दीज कंसर्न इन कंप्रेहेंसिव एंड टाइमली मैनर। सीरियस डेफिशिएंसीज एंड नॉन कंप्लायंस वर ऑब्जर्व इन द एरियाज ऑफ द आईटी इन्वेंट्री मैनेजमेंट पैच एंड चेंज मैनेजमेंट यूजर एक्सेस मैनेजमेंट वेंडर रिस्क मैनेजमेंट डाटा सिक्योरिटी एंड डाटा लीक प्रिवेंशन स्ट्रेटजी बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी रेगर एंड ड्रिल एक्स्ट्रा। फॉर टू कंजेक्यूटिव ईयर्स द बैंक वॉज असेस्ड टू बी डेफिशिएंट इन इट्स आईटी रिस्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस कंट्ररी टू रिक्वायरमेंट अंडर रेगुलेटरी गाइडलाइंस। ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट असेसमेंट द बैंक वॉज फाउंड टू बी सिग्निफिकेंटली नॉन कंप्लायंट विद द करेक्टिव एक्शन प्लान इशूड बाई रिजर्व बैंक
फॉर द ईयर 2022 एंड 2023 एज कंप्लायंसेस सबमिटेड बाय द बैंक वर फाउंड टू बी अदर इन एडिक्वेट इनकरेक्ट और नॉन सस्टेंड। ये काफ़ी सीरियस इरेगुलरिटीज पॉइंट आउट की हैं आरबीआई ने, और ये देखा गया है कि ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में जो बैंक खुले हैं वो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, ज़्यादातर अपने सिस्टम को भी आउटसोर्स कर रहे हैं, अपने जो आईटी सॉफ्टवेयर्स हैं उनके माध्यम से वो आउटसोर्सिंग काफ़ी ज़्यादा तादाद में बढ़ा दिए, जिससे कि कस्टमर के डाटा सिक्योरिटी नहीं होने की वजह से डाटा लीक होने के चांसेस रहते हैं, और साथ ही बार बार उनका सिस्टम फेल होने के भी इंस्टेंसेस नज़र आए आरबीआई को, जिसकी वजह से आरबीआई को ये इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा। इन द एब्सेंस ऑफ रोबस्ट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आईटी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क द बैंक्स कोर बैंकिंग सिस्टम सीबीएस एंड इट्स ऑनलाइन एंड डिजिटल बैंकिंग चैनल हैव सफर्ड फ्रीक्वेंट एंड सिग्निफिकेंट आउटेजेस इन द लास्ट टू ईयर्स, द रिसेंट वन बीइंग अ सर्विस डिसरप्शन ऑन अप्रैल 15, 2024, रिजल्टिंग इन सीरियस कस्टमर इनकन्वीनियंसेस। द बैंक इज फाउंड टू बी मटेरियली डेफिशिएंट इन बिल्डिंग नेसेसरी operational resilience on account of its failure to build IT system and control commensurate with its growth। दोस्तों ये देखा गया है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने अपना एक्सपेंशन बड़ी तेजी से किया, उसने अपना ब्रांच नेटवर्क बढ़ा दिया, उसके जो बाकी बिजनेस को भी इंश्योरेंस बिजनेस को और थर्ड पार्टी बिजनेस के लिए उसने काफ़ी ज़्यादा आउटसोर्सिंग से मदद देनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से उसका जो आईटी का सॉफ्टवेयर है या उसका हार्डवेयर का सिस्टम है वो एक्सपेंशन को कोप ना करने की वजह से कई बार फेल हो गया, जिसमें कि लेटेस्ट एग्जांपल 15 अप्रैल का दिया गया, जिसमें कि उनका सारा सिस्टम डाउन हो गया था और कस्टमर के ट्रांजेक्शन करना बड़ा मुश्किल हो गया था। दोस्तों इस डिजिटल युग में यदि एक दिन भी ट्रांजेक्शन करना मुश्किल हो जाए तो काफ़ी बिजनेस अफेक्ट करता है और वो बैंक की परफॉर्मेंस को भी धीरे धीरे इमेज को डाउन करता जाएगा, और ऐसे ही कोटक महिंद्रा बैंक के साथ हो रहा है। इन द पास्ट टू इयर्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इन कंटिन्यूड हाई लेवल एंगेजमेंट विद द बैंक ऑन ऑल दीज कंसर्न विद अ व्यू टू स्ट्रेंथनिंग इट्स आईटी रेजिलियंस, but the outcome have far from satisfactory. It is also observed that of late there has been rapid growth in the volume of the bank digital transactions, including transactions pertaining to credit card, which is building further load on its IT system. जो कि ये मैंने पीछे भी डिस्कस कर ही लिया कि जितना एक्सपेंशन हो रहा है उतना अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने तैयार नहीं किया, और जितना उनका क्रेडिट कार्ड का बिजनेस और उसकी ट्रांजेक्शन बढ़ रही हैं उसको कोप करने के लिए सफिशेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रोविजन ना होने की वजह से या कोर बैंकिंग सिस्टम उनका प्रॉपर ना होने की वजह से कस्टमर को इनकन्वीनियंसेस हो रही हैं। इनको देखते हुए आरबीआई को ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़े। अगले पैरे में आरबीआई ने लिखा, The Reserve Bank therefore has decided to place certain business restrictions on the bank as mentioned above in the interest of the customers and to prevent any possible prolonged outage which may seriously impact not only the bank's ability to render efficient customer service but also the financial ecosystem of digital banking and पेमेंट सिस्टम। दोस्तों जैसे कि आज के डिजिटल बैंकिंग सिस्टम में जब कभी भी एक बैंक प्रॉब्लम करता है तो वो सारे सिस्टम को पैरालाइज कर देता है और ट्रांजेक्शन्स जो सिस्टम के थ्रू होती हैं वो पैरालाइज्ड हो जाती हैं, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ता है कस्टमर्स की सर्विसेज पर। द रिस्ट्रिक्शन नाउ बीइंग इम्पोज्ड विल बी रिव्यूड अंडर upon completion of a comprehensive external audit to be commissioned by the bank with the prior approval of RBI and remediation of all deficiencies
that may be pointed out in the external audit as well as the observation contained in RBI inspection to the satisfaction of Reserve Bank. Further, these restrictions are without prejudice to any other regulatory, supervisory or enforcement action that may be initiated against the bank by Reserve Bank of India. ये योगेश दयाल चीफ जनरल मैनेजर द्वारा ये प्रेस रिलीज 172/2024/25 के द्वारा प्रेस में डाला गया है, जो कि आरबीआई के साइट पे अवेलेबल है। दोस्तों, इस प्रेस नोट से क्लियर हो गया है कि कोटक महिंद्रा बैंक में जो उनका तेजी से एक्सपेंशन हो रहा था, उसको संभालने के लिए उनके पास आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है और जो बढ़ती हुई ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करने के लिए उनके पास प्रॉपर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर नहीं है, जिसके कारण बार बार उनकी सर्विसेज पैरालाइज्ड हो रही हैं। और उसका एक एग्जांपल 15 अप्रैल 2024 का भी दिया गया आरबीआई द्वारा। ऐसी स्थिति में आरबीआई हमेशा स्ट्रिक्ट एक्शन तभी लेता है जब कि कस्टमर के सर्विसेज में काफ़ी डेफिशिएंसी हो या सिस्टम पूरी तरह से सिक्योर ना हो, फ्रॉड होने के चांसेस हों, या स्टाफ प्रॉपरली इक्विप्ड ना हो, या जो कस्टमर के जो नेसेसरी केवाईसी की फॉर्मेलिटीज हैं वो प्रॉपरली नहीं हो पा रही हैं, या उसके आउटसोर्सिंग का नेटवर्क है वो कितना सिक्योर्ड है और कितना फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए सफिशेंट है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ही आरबीआई इस प्रकार के डिसीजन लेता है। और ये देखा गया है कि पिछले कुछ समय से कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक अपने बिजनेस को अंधाधुंध एक्सपेंड करने के लिए नए नए फिनटेक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि टेस्टेड नहीं होते हैं, जो कस्टमर के इंटरेस्ट में सही काम नहीं कर सकते और जिसमें कि सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं होती है, कस्टमर का डाटा लीकेज के चांसेस रहते हैं। ऐसे माहौल में प्राइवेट सेक्टर बैंक अपना अंधाधुंध एक्सपेंशन कर रहे हैं, उनका ब्रांच नेटवर्क बढ़ा रहे हैं और वो आउटसोर्सिंग बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से बैंकिंग सिस्टम प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जा रहा, जो आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं। आरबीआई का 2 साल तक लगातार ऑडिट होने के बाद भी उनके जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी प्रॉपर कंप्लायंस नहीं की गई, जिसकी वजह से आरबीआई को अल्टीमेटली ये इस प्रकार का स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ा। ये खास तौर पर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ इसलिए भी होता है कि वो अपना एक्सपेंशन तेजी से करने जैसे अपने प्रॉफिट तेजी से बढ़ाने के चक्कर में ये सब डिविशंस करते हैं, जो कि नॉर्मली जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं वो उसको अवॉइड करते हैं, जब तक कि कोई उनका ऐसा टॉप मैनेजमेंट का आदमी उसको वेस्टेड इंटरेस्ट से टेयर अप ना करें। जैसे कि ऐसा प्रतीत होता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के केस में बॉबर्ड जो था उसको काफ़ी तेजी से एक्सपेंड करने की कोशिश की गई उस समय के टॉप मैनेजमेंट द्वारा, जिसके के रिपरकशन उनको देखने पड़े। आज की डेट में भी बॉबर्ड भी बैंड है। दोस्तों, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि बैंकिंग सिस्टम या इंश्योरेंस सिस्टम ये काफ़ी रिस्की है और इसमें जब तक कि रिस्क फैक्टर को प्रॉपरली एनालाइज ना किया जाए और जो डाटा लीकेजेस हैं, जो कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है उनकी तरफ पूरी तरह से ध्यान ना दिया जाए, तो कोई भी बैंक अपनी साख कुछ ही दिनों में खो बैठता है और पब्लिक का कॉन्फिडेंस यदि ख़त्म हो जाता है, तो ऐसे में बैंक के बिजनेस जो एक्सपेंड किया गया है वो धीरे धीरे दूसरे बैंकों में शिफ्ट हो जाएगा और बैंक की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो बैंक कोटक महिंद्रा बैंक के जो मैनेजमेंट है उसको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तुरंत करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, जैसे कि आरबीआई ने सजेस्ट किया कि आउटसाइड ऑडिट होना चाहिए, वो ऑडिट को आरबीआई के डायरेक्शंस में काम करना चाहिए और आरबीआई उसके बाद उस रिपोर्ट के बाद और उसके कंप्लायंस के बाद ही सेटिस्फाई होकर के इस
प्रकार के जो दो बैन लगाए हैं, एक तो ऑनबोर्डिंग ऑफ न्यू अकाउंट थ्रू ऑनलाइन एंड मोबाइल बैंकिंग चैनल, एंड सेकंड बैन इज क्रेडिट कार्ड बिजनेस, नो फर्दर न्यू क्रेडिट कार्ड विल बी इशूड, ओनली द एग्जिस्टिंग कस्टमर विल बी सर्व। तो जब कभी भी आरबीआई इस प्रकार के बैन लगाता है तो उस बैंक का, उस इंस्टीट्यूशन का बिजनेस एक्सपेंशन रुक जाता है। और अगर कोटक महिंद्रा बैंक ने अभी इसमें सावधानी नहीं बरती तो उसको और भी कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है रिजर्व बैंक की ओर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और यदि और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित, गवर्नमेंट के स्कीम के बारे में या बैंक के स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।